जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि बनिहाल कांस्टिट्यूएंसी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए थे, उन्हें कोर्ट ने 5 महीने की सजा सुनाई है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएंडके असेंबली इलेक्शंस जो है वो समीप हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई बड़े नेता उतारे गए हैं, और ऐसे में जो बनिहाल के उम्मीदवार हैं, क्या बनिहाल के जो उम्मीदवार हैं जिन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, एक बड़ा चेहरा और एक बड़ा नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, वकार रसूल, जो कि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। वकार रसूल को कोर्ट ने 5 महीने की सजा सुनाई है और साथ में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस समय ये बड़ी खबर और ये खबर इस समय काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, विधानसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को झटका, इसलिए क्योंकि कोर्ट ने एक मामले में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बनिहाल सीट के उम्मीदवार वकार रसूल वानी समेत 5 अन्य आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने सभी को 5-5 महीने की जेल की सजा सुनाई है और पांचों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 12 साल पुराने मामले में यह सजा सुनाई है। आपको बता दें कि ये जो मामला था, 12 साल पुराना जो है मामला था, उस पर कोर्ट ने सजा सुनाते हुए वकार रसूल और उनके साथ जो अन्य थे उन्हें 5-5 महीने की सजा सुनाई है और उन्हें जुर्माना भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या वो मामला था। साल 2012 में विधानसभा चुनावों के दौरान गुलावटी में मीठेपुर गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल में बिना अनुमति के एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा का आयोजन वकार रसूल वानी के द्वारा आयोजित किया गया था। वकार रसूल पर आदर्श आचार संहिता का आरोप लगा। कोर्ट ने उस आरोप को सही पाया और वकार सहित 5 लोगों को सजा सुनाई। वकार के अलावा कोर्ट ने जिन लोगों को इस मामले में सजा सुनाई है उनमें भारत भूषण शर्मा, सचिन इराकुमुद्दीन और नाजिम का नाम शामिल है। कोर्ट ने सभी को 5 महीने की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा। चुनाव हुए थे, हालांकि ये बड़ी खबर जो है इस समय निकलकर सामने आ रही है, क्या वकार रसूल वानी, जो कि कांग्रेस का एक मुख्य और प्रसिद्ध चेहरा है, जिन्हें कांग्रेस ने बनिहाल विधानसभा क्षेत्र से उतारा था, और ऐसे में उन पर एक पुराना मामला, यानी 12 साल पुराना मामला उन पर जो है वो चल रहा था, और उसमें कोर्ट ने सजा सुनाते हुए उन्हें 5 महीने की सजा सुनाई है, जबकि उनके अन्य साथी भी इसमें शामिल है। तो आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ, चुनावी अपडेट को लेकर हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे कई बड़ी अपडेट्स। नमस्कार।